हुए हैं छत पर और इंतजार कर रहे हैं तारा का। जैसे ही तारा नजर आएगा उसके बाद हम अपना व्रत खत्म करेंगे। तो बोटिंग कर रहे हैं क्या आप लोगों को? हिम्मत है तो कर लो। हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको खुद से पूछना होता तो हम खुद से पूछ लेते। टाइम की कमी है, नहीं कर सकते। ओके, चलिए। यहाँ पर भी एक तालाब नजर आ रहा है, सीता कुंड। तो एक सीता कुंड है यहाँ पर। 20 minutes later जी, फाइनली हम नीचे आ गए हैं और नीचे बैठकर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। आराम करने के बाद वहाँ जो एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, वहाँ पर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। एंट्री यहाँ से है, यहाँ से आप दाहिने जाएंगे तो जो पहाड़ पर मंदिर है वहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ जो आपको तालाब दिख रहा है, यहाँ पर बोटिंग भी होती है, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत है नहीं कि हम बोटिंग कर सके। अगर आप पैसे कोई लोग आते हैं और जिनको शौक है बोटिंग करने का, आपके पास समय है तो बिल्कुल बोटिंग करिए, यहाँ उसका एक अलग ही मजा है। जो मंदिर दिख रहा है उस चोटी से हम लोग आए हैं यहाँ पर, तो काफी अच्छा फील हो रहा है। पर पूजा कर लिया, और पूजा करने के बाद अब निकलते हैं भागलपुर की तरफ। इससे पहले एक बात बता दूं, रहे हैं आप वहाँ जो मूर्ति बना हुआ है देवता और असुर का, और वो जो समुद्र मंथन कर रहे हैं, देवता और असुर के बीच जो लड़ाई हुई थी अमृत के लिए, तो ये वही जगह है। 3 hours later जी, हम लोग मंदार पर्वत से घूम करके अभी आए हुए हैं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड। लोग झालमुड़ी खा रहे हैं, और झालमुड़ी खाते खाते अपना वॉक भी कर रहे हैं। कई दिनों बाद आए हैं, जैसे कि वहाँ पे वॉक कम हो गया था, है ना? यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पर करेंगे वॉक। आ ही गए हैं तो सैंडिस कंपाउंड तो आना बनता ही है। मैदान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर MS धोनी ने भी खेला है, शायद एक दो मैच है जो MS धोनी यहाँ पर खेलने आए थे, वह तब जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वह नहीं पहुँचे थे। और जी, इस वीडियो के जरिए मैं उन सभी को सॉरी भी कहना चाहूँगा, हमने एक मीटअप का टाइम भी दिया था अपने कम्युनिटी टैब में, और अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था, और इंस्टा के स्टोरी पर भी डाला था कि हम सैंडिस कंपाउंड आ रहे हैं। तो हम तो आ गए जी, लेकिन जो टाइम दिया था 4 बजे नहीं आ पाए, हम आए यहाँ पर 6 बजे। हम लोग आ रहे थे मंदार पर्वत से यहाँ पर सैंडिस कंपाउंड, तो बीच में हमें मिल गया जाम, तो उसी जाम में हम फंस गए और काफी ज्यादा लेट हो गया हमें। बज रहे हैं सुबह के 9, और हम लोग जो है भागलपुर से निकल चुके हैं। भागलपुर से निकले हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, आज हम लोग फाइनली भागलपुर से जा रहे हैं। जिया का काम भी हो गया, हमें जहाँ भगवान के दर्शन करने थे दर्शन भी कर लिया। अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ पर है एक मंदिर, हम लोग जब आ रहे थे जिया के घर तो इसी मंदिर में रुके थे, वह ब्लॉग भी डाला था हमने। खूब बारिश हो रही थी उस समय, है ना, तो हम लोग यहीं पर आकर के शेड लिए थे। फिर जी रास्ते में एक जगह था डूमर, हम वहाँ पर रुक गए और वहाँ पर चाय पी लिए। यहाँ का चाय, पेड़ा, दूध, दही सब कुछ अच्छा होता है। फिर हम लोग चाय पीकर निकल लिए घर की तरफ। Tomorrow हम लोग आए हुए हैं छत पर, और जिया यहाँ बागवानी कर रही है और यहाँ आप देख रहे होंगे एलोवेरा का पेड़, तो हम लोग जो है इससे मसाज करते थे चेहरे पर, जिया मसाज कर देती थी मेरे चेहरे का, अच्छा होता है स्किन के लिए। बाकी हम लोग मौसम का मजा ले रहे हैं, सुबह सुबह आ गए हैं, ताज़ा ताज़ा हवा ले रहे हैं, उसके बाद जो है हल्का हल्का धूप, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और कुछ देर में हमको मार्केट भी निकलना है, मार्केट जाने से पहले सोच रहे हैं एक बार चेहरा धो ले, बड़ा ये दोपहर में नहेंगे। अब फेस वॉश है ना, फेस वॉश कर लेते हैं, वो जो फेस वॉश है वो भी काफ़ी अच्छा है, अभी आपको दिखाते हैं वो। जी अभी जो मैं फेस वॉश यूज कर रहा था वो यूज कर रहा था कियारा वेदिक का। कियारा वेदिक जो है स्किन केयर प्रोडक्ट बनाती है, और सारे प्रोडक्ट इनके ऑर्गेनिक होते हैं और हैंडमेड होते हैं, और काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। यहाँ जो फेस वॉश है बिल्कुल 100% एकदम वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, पराबेन, SLS कुछ नहीं है इसमें, और यहाँ जो है हर तरह की स्किन के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद इसका जो फ्रेग्रेंस है मस्त है जी। उसके बाद जब इसको यूज किया हमने, अब जो मैं चेहरा छू रहा हूँ काफी सॉफ्ट स्किन लग रहा है। अगर आपको पिंपल का प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो ये सब ठीक कर देता है। और इसके अलावा मैं कियारा वेदिक का 2 और प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, एक है सीरम और एक है साबुन। और सीरम को किस तरह यूज करते हैं उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। रहेगा कि जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम इस सीरम को यूज करो, सोने से पहले 4-5 बूंद जो है अपने हाथ में ले लो, और उसके बाद जेंटली अपने फेस को मसाज करो,
और मसाज करने के बाद आप आराम से सो जाओ, सुबह तक यह आराम से सोख लेगा। यह प्रोडक्ट ऐसा आराम से देखता हूँ कि स्किन में सोख लेता है। और फिर उसके बाद सुबह उठ करके अपना चेहरा धो लो, और उस सीरम का भी बहुत फायदा है, आपका स्किन जो है काफी हेल्दी रहता है और स्किन के नेचुरल ग्रोथ को बूस्ट करता है, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा मैं एक साबुन भी यूज करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, साबुन का लुक हमें इतना ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा प्यारा है। मैंने इसका 3 सेट मंगवाया था साबुन का, मेनली नहाने के लिए यूज होता है, लेकिन आप इसको चेहरे पर भी यूज कर सकते हैं। इस साबुन में जो है कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, जैसे कि पाराबिन नहीं है, सल्फेट। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इन सभी प्रोडक्ट का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको परचेज कर सकते हैं। और जी जैसे कि इसका नाम है कियारा वैदिक, आपको नाम से ही थोड़ा एक अंदाजा लग गया होगा कि यह एक इंडियन कंपनी है। इस कंपनी के प्रोडक्ट की मुझे खास बात क्या लगती है, यह कंप्लीटली ऑर्गेनिक रहता है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं और हैंडमेड प्रोडक्ट रहता है। आजकल के जमाने में हैंडमेड प्रोडक्ट मिलना वो भी केमिकल फ्री बड़ा ही मुश्किल काम है। यूज कर रहा हूँ और मैं जो इसका यूज कर रहा हूँ मुझे काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। अभी तक मेरे पीठ में जो दाना था वह भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि कम हो रहा है। मेरे चेहरे पर भी इसका कुछ असर दिख रहा है, ओपन पोर्स जो हो गया था थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ उसमें अच्छा रिजल्ट आया है। अभी तो इनका वैलेंटाइन डे ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप 14 फरवरी को शॉपिंग करिएगा तो आपको 1+1 का ऑफर चल रहा है यहाँ पर, तो एक प्रोडक्ट खरीदिएगा, एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा, ये काफी फायदा उठा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी मार्केट। जी आज है नरक निवारण चतुर्दशी और सभी लोग हम लोग व्रत में है आज, हम भी, जिया भी, पूरी फैमिली और हमारा भाई छोड़ करके सिर्फ। कल मंगलवार को व्रत रखा हुआ था तो कहा कि 2 दिन हमसे नहीं हो पाएगा तो वो नहीं कर पाया। तो नहा धो करके एकदम तैयार है, अब जा रहे हैं मंदिर, वहाँ पर भगवान से आशीर्वाद लेंगे। और इधर माँ एकदम व्यस्त है बात करने में, तो कोई काम नहीं है सरकारी। हाँ। अच्छा वाह, चले हम पहुँच गए हैं मंदिर और अब चलते हैं पूजा करते हैं। जी अब हो गई पूजा और चलते हैं यहाँ से। और यहाँ देखते हैं किस चीज की तैयारी चल रही है। मटर लेके जा रहे हैं। मटर लेके जा रही है, क्या बनना है मटर का आज? आज माँ बनाएगी छोला। मटर का छोला। हमारा उपवास जो है आज शाम खत्म हो जाएगा। उपवास कैसे खत्म करेंगे दीदी? तारा देख करके बैर दिएगा मुँह में, जब बैर खाने के बाद तब चावल या चूड़ा का भुजा जो भी बने, अच्छा उसी से पारण किया जाता है। उसके बाद दाल भात सब्जी जितना बनाने का शक्ति है बनाओ। वाह बढ़िया है। 6.5 hours later लोग आए हुए हैं छत पर और इंतजार कर रहे हैं तारा का। जैसे ही तारा नजर आएगा उसके बाद हम अपना व्रत को खत्म करेंगे। ले लीजिए आप। जी हमने देख लिया है तारा और हमारा उपवास खत्म होने जा रहा है इस बेर के साथ। अच्छा कल क्या था ना, कल के बदला आज खा रहा है। बढ़िया पतिदेव खा रहे हैं। लग रहा है जान में जान आई। कैसा लगा आपको? देखो बना तो है ही अच्छा, दीदी बनाते ही अच्छा है, खास करके मटर का छोला है। आज मटर का छोला ही खाया जाता है पता है आपको। अच्छा।